वाट वर्सेस सिडनी थंडर, तो कौन सी टीम जीतेगी मेरे भाई? आज का तो दिन बहुत तगड़ा रहा, कैसे रहा पहले जानिए कि तीन मैच था बिग बैश में, तीन में से पहला मैच ब्रिस्बेन हीट वाला, वो तो स्ट्रेट हो गया, लेकिन फिर भी एडिलेड स्ट्राइकर फेवरेट थी, वहाँ 90 पैसा से ब्रिस्बेन जीती टीम पास। दूसरा यहाँ पे मैच हुआ सिडनी सिक्सर्स वाला वर्सेस जो मैच था MLR का मैच था, अपनी टीम सिडनी सिक्सर्स से 3/3 एंट्री 25 पैसे का घोड़ा उड़वा के दिया, हाई स्कोरिंग चेज। दूसरा पर्थ वाला, पर्थ वर्सेस यहाँ पे आपको मैच था शायद MLS से, तो पर्थ अपनी टीम थी 3/4 पैसे का घोड़ा 122 रन का डिफेंड करवा के दिया, मतलब तीनों जैकपॉट पास। अफगानिस्तान ए अपनी टीम थी जीती, नेक्स्ट लेवल काम दिया मेरे भाई, कोई आजू बाजू ही नहीं है जैसा काम चल रहा है। जुड़िए कमाइएगा, मोटा से मोटा प्रॉफिट होगा आपका। देखिए बेलीडी ओवल में मैच है जो कि इनका होम ग्राउंड है, सरफेस अच्छा है वहाँ पे, आपको अगर बोला जाए तो पेसर्स को मदद है, ओवरऑल बाकी सरफेस से अच्छा बैटिंग सरफेस देखने को मिलेगा। 140 ऑन एन एवरेज है, यानी वीमेंस में बहुत रन है, रन एक्सपेक्ट करिए 120-30 पे। यहाँ पे मत सोचिएगा कि वो डिफेंड हो सकता है जैसे पर्थ में हुआ, पर्थ बॉलर को फेवर हमेशा से करता है, ठीक है। मार्केट देखिए सिडनी थंडर के साथ है और होबार्ट के साथ 30% है, यानी बुकी बोल रहा है कि थंडर इस मैच को जीत सकती है, क्योंकि थंडर एक स्ट्रॉन्ग टीम है और कॉम्पैशनेट टीम है, प्लस यहाँ पे कंसिस्टेंट भी है, 2 बार की यहाँ पे BBL विनर रह चुकी है, पिछले साल भी इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था, तो क्या इस साल भी कंटिन्यू कर पाएगा एक्सपेक्टेड है, या फिर होबार्ट अपने होम ग्राउंड पर डिफेंड कर पाएगा, क्योंकि 2 मैच ऑलरेडी इन दोनों के बीच में हुआ है इस वेन्यू पे और एक एक मैच दोनों ही टीम जीती है। होबार्ट रिसेंट ईयर में डोमिनेट भी कर रही है सिडनी थंडर पे, तो ऐसे आप ये कंसीडर नहीं कर सकते कि सिडनी थंडर यहाँ पे थोड़ा सा अपर हैंड रख रही है। मैच बहुत शानदार होगा, 12:40 यानी कल एक मैच है और बहुत अच्छा टाइम है, कितना बजे भी सोइए 12:30 तक पब्लिक उठ ही जाता है, तो यहाँ पे खेलिए सुबह दोपहर जो भी बोलिए और मोटा प्रॉफिट कमाइए। बाकी देखिए यहाँ पे स्कैन करिए, ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल को 7428525766 है, मैच असोसिएशन ग्रीस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पता है वहाँ क्लिक करोगे, ये टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। काम बढ़िया मिलेगा, नेक्स्ट लेवल मिलेगा इसकी गारंटीड है, लाखों करोड़ों जितना का लॉस लेके आना है, आओ ना मेरे भाई, कितनों का लॉस रिकवर करवा के दे दिया आपका, क्यों नहीं होगा, होना है, बस करना है एज इट इज़ फॉलो, जो बोलेंगे जैसे बोलेंगे उसको फॉलो करते चलिए। 14 डिग्री का टेम्परेचर है, चांसेस हो रहे निगेटिव है, ह्यूमिडिटी 46% का है और काफ़ी अच्छा बैटिंग सरफेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मैच में। 38 मैच हुआ है इस वेन्यू पे, जिसमें 16 ओवर फर्स्ट 20 ओवर सेकंड 2 मैच टाई है, जैसा बोला है एवरेज 138, 212 हाईएस्ट और मेलबोर्न का लोएस्ट है यहाँ पर 80। अब देखिए 38 में से 150 बार तो 26 से नीचे लगा है, फिर 152-169 10 बार लगा है, 172-189 1 बार और एवर 190 1 बार। अब लास्ट 3 मैच पहले कंसीडर करिए, तो हाई स्कोरिंग पहला मैच होबार्ट 212 मारी, मेलबोर्न यहाँ रेनिगेट 119 पे पैक हो गई, 3 विकेट गिरा, 2 विकेट पे से 1 विकेट इसमें, 10 में से 6 विकेट पे से 4 विकेट इसमें, 139 मारी होबार्ट, ठीक है, और सिडनी सिक्स से चेज कर गई, 8 में से 4 विकेट पे से 3 विकेट इसमें, 7 में से 4 विकेट पे से 2 विकेट इसमें, फिर होबार्ट 120 मारी और ब्रिस्बेन उसको चेज कर गई, यानी तीनों केसेस में होबार्ट ने फर्स्ट बैट किया, ठीक है, 8 में से 4 विकेट पेसेस, 3 विकेट स्पिनर्स, 4 में से 2 विकेट पेसेस, 2 विकेट स्पिनर्स, तो 22 विकेट पेसेस और 15 विकेट स्पिनर्स के पास, यानी पेसेस ज़्यादा आउटिंग ले रहे, विकेट निकाल ले। अब कंसीडर ये करिए कि तीनों तो अलग अलग मैच हुआ, 200 प्लस वाला, 140 वाला, वो भी चेंज 120 वाला, यानी हाईएस्ट स्कोर, एवरेज स्कोर, मिडिल और लो स्कोर, तो एवरेज और लो का तो वैल्यू ही नहीं रहा, 140 से नीचे अगेन एक्सपेक्ट करिए कि नो वैल्यू, वो चेंज हो जाएगा टारगेट, क्योंकि ये सरफेस बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। आप यहाँ पे 160 रन अगर लगता है तो कंसीडर करिए कि फुल ट्रेडिंग मैच होगा, कहीं से भी खा सकते हैं, रेट आएगा और ज़्यादातर डिफेंड हो जाएगा फिर, लेकिन यहाँ पे मज़ा आ जाएगा फिर मैच में, फुल पंटर फ्रेंडली, तीन तीन तरफ रेट आ सकता है। अब 8-8 का बात करें इन दोनों के बीच में, 18 मैच हुआ है, 6 होबार्ट 10 जीती है सिडनी थंडर, 2 नो डिजल्स रहा है इस वेन्यू पे जो कि होम ग्राउंड है बेलीडी वोबल होबार्ट का, वहाँ 2 मैच हुआ है, 1-1 मैच दोनों टीम जीती है, और लास्ट 5 में देखिए तो होबार्ट 4 और 1 मैच नोडिजल्स रहा है, सिडनी थंडर हरा ही नहीं पाई, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से होबार्ट डोमिनेट कर रही है, लेकिन फ्रेश सीजन है, अब कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा होबार्ट की तरफ से देखने को बनेगा। लास्ट 4 मैच से अनबीटेबल है होबार्ट, और ये 2 मैच लगातार ये भी जीती थी, उससे पहले लगातार 3 हार के आ रही थी, फिर यहाँ लॉस है, लेकिन ये सबसे कोई लेना ही देना नहीं होगा, क्योंकि ये फ्रेश सीजन है, ये पिछले साल का स्टैट्स है। टीम कंपेयर किया जाए लास्ट 10 मैच में तो सिडनी थंडर देखिए लास्ट 10 में से 3 ही जीत के आ रही है, एवरेज 129, 183 हाईएट, 103 लोएस्ट है, ये लास्ट 10 में से 7 जीत के आ रही है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा है होबार्ट, मतलब रिसेंट लास्ट 2 ईयर में अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है, नो डाउट।
36 ऑन एन एवरेज 212 है, 87 लोएस्ट है। और ये मतलब अपने होम ग्राउंड पे अगर लास्ट 10 मैच पकड़ते हैं तो 5 मैच जीती है। 139 ऑन एन एवरेज, 212 इनका हाईएस्ट, 82 लोएस्ट है। देखिए इस वेन्यू पे ये 7 मैच खेली है और 28 से 30% यानी 2 मैच मैक्सिमम जीती है। 133 ऑन एन एवरेज, 161 हाईएस्ट, 110 लोएस्ट है। तो ओवरऑल होबार्ट का भी अगर 50% का रेशियो है 10 मैच खेली है तो एक्सपीरियंस ज़्यादा बोल सकते हैं, प्रदर्शन कुछ खास है नहीं। सेशन टिप्स का बात किया जाए 36, 59, 98 और 143। हाँ इतना आप एक्सपेक्ट करिए इस हिसाब से सेशन चलेगा क्योंकि ये ऑन एन एवरेज लास्ट 10 इनिंग में सेशन देखने को मिला है। ठीक है, प्लेइंग 11 का बात करेंगे होबार्ट की तरफ से तो लिजेल ली, तबाता सेविल, डैनियल निकोल वाइट, एलाइस विलानी, हीदर ग्राहम, कैथरीन ब्राइस, रूथ जॉनस्टन, रेचल ट्रेनामैन, निकोला कैरी, मॉली एस्ट्रानो और लॉरेन स्मिथ। तो ये प्लेइंग 11 हो सकता है होबार्ट का। सिडनी थंडर का बात किया जाए तो तैलिया विल्सन, अनिका लिया रॉयड, क्लैरी मूर, जॉर्जिया वॉल, हीदर नाइट, सैमी जो जॉनसन, टैनियल पेस्चल, इला ब्रिस्को, समांथा बेट्स, सीएना ईव, हैना डार्लिंगटन। तो ये प्लेइंग 11 हो सकता है सिडनी थंडर का। बात किया जाए लिजेल ली का तो देखिए फॉर्म में है, 63, 22, 0, 32, 112। एक मैच छोड़ी तो हर मैच में परफॉर्म किया और ज़बरदस्त ऑप्शन है कैप्टन के लिए, जरूर पिक करिए इनको। डैनियल निकोल वाइट का देखिए ये भी फॉर्म में, 16, 51, 43, 41, 46। एक मैच लास्ट मैच छोड़िए तो उससे पहले हर मैच में परफॉर्म किया इन्होंने। हीदर ग्राम कुछ खास फॉर्म नहीं है, 7, 6, 3, 1, 14, लेकिन बॉलिंग देखिए 3, 1, 2, 2, 1। तो बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पिक कर लिए, बैटिंग से कंट्रीब्यूट करेंगे तो एक्स्ट्रा रहेगा। तबाता सेविल देखिए 5, 1, 22, 2, 30 फॉर्म नहीं दिख रहा है। एलिस विलानी जो कि कैप्टन है, 11, 14, 19, 33, 1, इनका ही फॉर्म कुछ खास नहीं है। कैथरीन ब्राइस 33, 7, 25, 1, 33, 0, 1, 0, 1, 1, सो फॉर्म है। ये सब प्लेयर कभी चलेगी कभी नहीं चलेगी, कंसिस्टेंट नहीं रह सकती। रूथ जॉनस्टन का बात है तो 6, 14, 8, 18, 50, 0, 4, 0, 1, 0, 1, तो बॉलिंग इनका अच्छा है। ठीक है, निकोला किरे 11, 0, 3, 1, मॉली एस्टानो 3, 2, 0, 3, 0, इसको पिक करिए, ऑस्ट्रेलिया की बॉलर है। बाकी रिचेल ट्रेनामैन का देखिए 0, 1, 0, 0, बॉलिंग उनसे नहीं हो रहा है तो स्ट्रानो को पिक करना है। लॉरेन स्मिथ का देखिए लास्ट मैच में सिर्फ विकेट नहीं, उससे पहले एक एक विकेट हर मैच में। अब तैलिया विल्सन का देखिए 54, 81, 16, 12, 39, इनका ही फॉर्म जबरदस्त है लास्ट दो मैच से, पिक कर सकते हैं वाइस कैप्टन के लिए, सरफेस में मदद भी है, बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया सरफेस है। क्लैरी मूड 1, 8, 4, 10, 10 फॉर्म नहीं है इनका। हिदर नाइट 20, 0, 6, 24, 36, इनका ही फॉर्म नहीं है लास्ट तीन मैच से तो नहीं है, कैप्टन है भले ही। एनिका लियोरॉयड का देखिए तो 6, 8, 16, 39, 10, इनकंसिस्टेंट है, कभी चलेंगी नहीं चलेंगी कुछ कहा नहीं जा सकता। जॉर्जिया वॉल 32, 29, 0, 42, 19। सैमी जॉनसन का बात किया जो 15, 5, 1, 4, 10, 1, 0, 1, 2, 0। तो टीम अगर दिख रहा है तो उसमें ये तो पता कब चल रहा है कि सिडनी थंडर के ज़्यादा प्लेयर यहाँ पे फॉर्म में। वैसे तो ब्रिस्बेन वाले मैच में भी दिख रहा था कि एडिलेड के प्लेयर ज़्यादा फॉर्म में थे लेकिन ब्रिस्बेन हिट जीत गई, तो इसलिए रिपोर्ट पे काम किया जाता है। अब टैनियल पेस्चल का बात किया 1, 2, 0, 1, 1, समांथा बेट्स 3, 2, 1, 1, 0, इनको पिक करिए, अच्छा बॉलिंग करती हैं, एक्सपीरियंस है। इला ब्रेस्को का देखिए 17, 32, 9, 0, 1, 0, सियाना ईव 1, 0, 1, 1 और हैना डार्लिंगटन 1, 3, 0, 1। तो ये दोनों डार्लिंगटन और समांथा बेट्स दोनों बहुत अच्छी ऑप्शन है। लिजेल ली के साथ यहाँ पर हीदर नाइट, डैनिया वाइट, लिचफील्ड, अटापट्टू, के ब्राइस, ग्राहम, निकोला क्रे, जी वॉल एस्टानो और सूजी बेट्स। बाकी यहाँ पे कैप्टन अटापट्टू और वाइस कैप्टन ग्राहम को पिक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कैप्टन के लिए इनका फॉर्म अच्छा है, इनके साथ भी जा सकते हैं। और ड्रीम इलेवन के अपडेटेड टीम के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन करिए, नेक्स्ट लेवल टीम फ्री में आता है। और 7, 4, 2, 8, 5, 2, 5, 7, 6, 7 मैच ऑफ सीजन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैच ऑफ सीजन का टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे जाकर ज्वाइन करिए। चलिए वो अवेलेबल, टेक केयर, गुड नाइट।